ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सीएम कैंडिडेट पद की रेस में खुद के होने से किया इनकार। महाकाल में शुल्क को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस बोली सरकार बनी तो फ्री में कराएंगे महाकाल दर्शन। 15 सितंबर को छिंदवाड़ा के पांडुरा में हुआ गोटमार मेले का आयोजन। नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी परीक्षा नहीं कराई गई तो वे इस बार के चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का गिरा फॉल सीलिंग, बड़ा हादसा टला। तेउथर को जिला बनाने हेतु कांग्रेस नेता धर्मेश शुक्ला ने सीएम शिवराज को लिखा खून से खत। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट बोले शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की वैलिडिटी दिसंबर तक ही है। एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से हराया। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव की मतदाता सूची 4 अक्टूबर को जारी करेगी। मुरैना की नंदनी अग्रवाल के नाम दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बनी सबसे कम उम्र की सीए। ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।